अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो लेक्चर नंबर जो है हमारा जो टेस्ट जो फाइव था क्रैश टेस्ट फाइव, उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसकी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो थी तानिया इज ऑर्डर देन एरिक, क्लिफ इज ऑर्डर देन तानिया। हमने इन दो स्टेटमेंट्स की बेस पे ये बताना था कि थर्ड जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ठीक है या गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है क्या, एरिक इज ऑर्डर देन क्लिफ। तो हमने इन दो बेसिक जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी बेस पे हमने बताना है कि थर्ड वाली ठीक है या नहीं। मैं इसको बिल्कुल मैथमेटिकल बेस दूंगा, लिखा हुआ है तानिया इज ऑर्डर देन एरिक, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इट मींस तानिया इज ग्रेटर देन या ऑर्डर देन, को मैथमेटिकल सिंबल जो है ग्रेटर देन से डिनोट कर सकते हैं, तानिया इज ग्रेटर देन या ऑर्डर देन एरिक। इसी तरह क्लिफ इज ऑर्डर देन, क्लिफ जो है वो तानिया से बड़ा है। तो इन दोनों की कंबाइंड जो स्टेटमेंट है अगर मैं इनका कन्वीयर खुद से निकालूं तो कन्वीयर यहाँ पे ये निकलेगा कि सबसे बड़ा क्लिफ है उससे छोटे तानिया और तानिया से छोटा जो है वो पहले है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनी कन्वीयर क्लिफ इज ग्रेटर देन तानिया एंड तानिया इज ग्रेटर देन पहले या ओल्डर देन, तो इट मीन्स ये है मेरी ओरिजिनल कन्वीयर। क्या इस कन्वीयर के मुताबिक ये थर्ड स्टेटमेंट है ऐसी ऐसी लिखी हुई है, थर्ड स्टेटमेंट है क्या, वो है एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। तो हम इसको देखें, एरिक क्या क्लिफ से बड़ा है नहीं, एरिक तो सबसे छोटा है, इट मींस ये वाली जो मेरी स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। इसी तरह जो मेरे पास मेरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था वो था यहाँ पे कि ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरी कॉस्ट लेस देन रेसिपीज। तो हमें ये इन दो इंफॉर्मेशन की बेस पे हमें तीसरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि क्या ये ठीक है या गलत है। तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रेसिपीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। तो हमने पहले अपनी इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर लेते हैं, उससे हम कन्वीनियर निकालते हैं। हमें पता है ब्लूबेरी की जो प्राइस है कॉस्ट है वो ज्यादा है स्ट्रॉबेरी से, इट मींस मैं इसको लिख सकता हूँ ब्लूबेरी कॉस्ट ग्रेटर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरी कॉस्ट लेस देन रेसिपीज, इट मींस ब्लूबेरी जो है उसकी कॉस्ट जो है वो लेस देन है रेसिपीज से। इन दोनों की बेस के ऊपर मैं जब कन्वीनियर जब ड्राइव करूंगा तो मेरा कन्वीनियर क्या निकलता है, मैं आप इसको इजिली देख सकता हूँ कि जो ब्लूबेरी है उसकी कॉस्ट स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है लेकिन रेसिपी से कम है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो रेसिपीज की है, रेसिपीज इज ग्रेटर देन ब्लूबेरी एंड ब्लूबेरी कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्ट्रॉबेरीज। सो दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन। अब मैंने इस कंक्लूजन को जो तीसरी वाली स्टेटमेंट है लिखा, रेसिपीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, यस हम देख सकते हैं कि रेसिपीज की जो कॉस्ट है वो ब्लूबेरीज से ज्यादा है और स्ट्रॉबेरीज से ज्यादा है, तो इसलिए हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो इसी तरह हमारे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द ट्रीज इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज। हम ये देखते हैं कि तमाम पौधे जो कि हमारे पास पार्क में है वो हमारे पास क्या है, फ्लावरिंग ट्री। सम ऑफ द ट्री इन द पार्क आर डॉगवुड्स, आर डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्री। हमें पहले दो इंफॉर्मेशन जो हमें दी है उसकी बेस पे हमें बताना है कि थर्ड वाली स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स और अनसर्टेन। तो हम ये करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे, हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे कि ऑल द ट्रीज इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्री, कि जितने भी वहां पे दरख्त हैं वो सारे फ्लावरिंग ट्री हैं। सम ऑफ ट्री इन द पार्क आर डॉगवुड्स, कुछ उन जो ट्रीज में से जो कैटेगरी है वो डॉगवुड्स की है। इसका मतलब जो डॉगवुड होंगे वो भी इन द एंड तो ट्री ही है, और ट्री को हम पहले स्टेटमेंट में ये बता चुके हैं सारे सारे ट्री क्या है, फ्लावरिंग है। तो इसका मतलब डॉगवुड्स भी क्या होंगे, फ्लावरिंग ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है आर डॉगवुड ट्री, आर डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, तो मैं इसको कहूंगा ये ट्रू स्टेटमेंट है। इससे आगे चलते हैं, हमारे पास टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था 114 टेस्ट के अंदर हमने देखा कि मारा रन फास्टर देन ये एंड लेले रन फास्टर देन मारा। हमने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताया कि ये रन फास्टर देन लेले, तो हमने इसको
बताना है कि ठीक है नहीं, हमें पता है कि हमारा जो है वो फास्ट में है, उसकी जो वार्निंग स्पीड है वो तेज है, इसे गेंद से इस तरह जो लेगी है उसका वो फास्ट में है हमारा से। सो इट मींस कि सबसे ज्यादा जो फास्ट है वो लेगी है, लेगी इज फास्टर देन हमारा एंड हमारा इज फास्टर देन गेंद। सो सबसे ज्यादा तेज कौन भागता है वो है लेगी, और इसके बाद जो मारा है उसके बाद क्या है गेंद। अब तीसरी श्रेणी क्या दर्शक है, गेंद इज फास्टर देन नो गेंद इज गेंद तो सबसे जो है वो कम स्पीड पे जो था वो रनिंग कर रहा था दौड़ रहा था, सबसे ज्यादा स्पीड ले रहा है। इसलिए यहाँ पे इस कंक्लूजन की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 115 है उसको डिस्कस करते हैं। 115 जो स्टेटमेंट है वो है कि अपार्टमेंट इन आर बिल्डिंग रिवेटर मैनोर कॉस्ट लेस देन द अपार्टमेंट इन द गैलेट कॉमन्स, अपार्टमेंट इन द लिविंग स्टोन गेट कॉस्ट मोर देन द अपार्टमेंट इन द लिप्टन कॉमन। इसी तरह हमारे पास सामने तीसरी स्टेटमेंट क्या है, ऑफ द थ्री अपार्टमेंट्स बिल्डिंग द लिविंग स्टोन गेट कॉस्ट मोर देन कॉस्ट द मोस्ट। ओके यहां पे हमारे पास देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिवरडेल मैनोर जो है उसकी कॉस्ट क्या है लेस है किससे गेस्लाइट कॉमन से, ठीक है गेस्लाइट कॉमन से जो इसकी प्राइस है रिवरडेल मैनोर की प्राइस जो है वो गेस्लाइट कॉमन से लेस है। पहली स्टेटमेंट ये हो, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अपार्टमेंट इन लिविंग स्टोन गेट कॉस्ट मोर देन अपार्टमेंट इन गैस लाइट कॉमन्स। हमने यहां पर देखा कि जो लिविंग स्टोन जो हमारे पास है गेट उसकी जो प्राइस है वो ज्यादा है इससे इज कॉस्ट मोर देन अपार्टमेंट इन वो इससे ज्यादा है गैस लाइट कॉमन से, ठीक है गैस लाइट कॉमन से ज्यादा है। अब देखिए आप गैस लाइट कॉमन जो है वो ग्रेटर है इससे रिवरडेल मैनोर, और जो गैस लाइट कॉमन है वो लेस है इससे लिविंग स्टोन गेट्स। तो मैं अगर स्टेटमेंट को कंबाइन करूं तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि दिस इज गैस लाइट कॉमन्स, गैस लाइट कॉमन्स इज ग्रेटर देन Riverdale Manor and this is less than from Livingstone Gate। तो मेरे पास सबसे ज्यादा जिसकी कॉस्ट है वो Livingstone Gate जो अपार्टमेंट होगा उसपे होगी, उससे कम कहां पे है, उससे कम है जनाब गैस लाइट के ऊपर लगाई गैस लाइट कॉमन के ऊपर, और सबसे उससे कम जो मेरे पास प्राइस है वो है Riverdale Manor के ऊपर। तो हम यहां से देख सकते हैं हमारी थर्ड स्टेटमेंट जा रही है, थर्ड स्टेटमेंट जा रही है ओवर थ्री अपार्टमेंट बिल्डिंग्स द लिविंगस्टन गेट कॉस्ट द मोस्ट। यस आप देख सकते हैं लिविंगस्टन गेट जो है उसकी जो है मेरे पास प्राइस है इस स्टेटमेंट की बेस पे वो ज्यादा है, जी ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम इसको ट्रू का ऑप्शन देंगे। इसके बाद हमारे पास यहां पे ये है कि द किंगस्टन मॉल हैज मोर स्टोर्स देन गैलरिया, द फोर the four corners mall has fewer stores than Galleria। ये दो हमारे पास statement है, the Kingston mall has more stores than the four corner mall। तो हमने इसको ये तीसरी statement को इन दो statement के base पे true या false बताना है। तो हम इसे एक logic बनाते हैं, हमें यहाँ पता है the Kingston mall has more stores, उसके mall के अंदर stores हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम लिखेंगे कि Kingston जो है मार उसको मैं के से डिनोट करता हूं, के के अंदर किंगस्टन मार के अंदर ज्यादा स्टोर्स हैं गैलरिया की अगर उसके मुकाबले। तो इसके बाद फोर कॉर्नर जो है उसके कम है गैलरिया से, इट मींस के यहां जाकर मैं स्टेटमेंट बनाऊं जी इज ग्रेटर देन फोर कॉर्नर, मतलब गैलरिया के जो स्टोर्स हैं वो फोर कॉर्नर से ज्यादा है और गैलरिया के जो स्टोर्स हैं वो कम है इससे कम है किंगस्टन से, मतलब किंगस्टन से ज्यादा है। तो ये मेरे पास राइट स्टेटमेंट है। अब मैं इसी पढ़ता हूं, कहता था किंगस्टन मॉल हैज मोर स्टोर्स देन द फोर कॉर्नर मॉल। यस हम यहां से देख
क्वालिटी सबसे ज्यादा उसके उसके बोल बोलने से ज्यादा यहाँ पे ट्यूब ऑप्शन नहीं है। इस तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी है, जैसे ये एक सिचुएशन आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द ट्यूलिप्स इन ज़ोइस गार्डन आर वाइट, ऑल पेंसीज इन ज़ोइस गार्डन आर येलो, ऑल द फ्लावर इन ज़ोइस गार्डन आर एदर वाइट और येलो। ओके, हमारे पास यहाँ पे फ्लावर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं दी हुई, स्पेसिफिक वर्ड्स फ्लावर के बारे में। हमें ट्यूलिप्स का पता है, पेंसीज का पता है, बट वी डोंट नो अबाउट द फ्लावर्स। तो हम यहाँ पे इसके फ्लावर्स के बारे में कोई वाजिया चीज जब हमें नहीं पता, तो हम ये ऑप्शन ना क्यों लेंगे ना फॉर्स लेंगे, हम कहेंगे उसको इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं उस बारे में, हम उसको अनसर्टेन कहेंगे कि मे बी वो येलो भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, हम उसके बारे में कोई चीज हम उसके बारे में क्लियर नहीं है। हमारा आंसर क्लियर ना हो तो हम वहां पर ऑप्शन लेते हैं अनसर्टेन का। तीसरा हमारे पास 118 है, 118 के अंदर लिखा है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर जॉर्ज सा से मोर मूवीज देन स्टीफन, कि जॉर्ज ने ज्यादा मूवीज देखी है स्टीफन से, ठीक है, स्टीफन सा फिल्म मूवीज देन डैरन, स्टीफन ने कुछ कम मूवीज देखी है डैरन से, तो डैरन सा मोर मूवीज देन जॉर्ज, हम ये चीज क्लियर करते हैं। देखिए हम यहां देखते हैं जॉर्ज सा मोर मूवीज देन स्टीफन, मैं इसको भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा कि जॉर्ज ने ज्यादा मूवीज देखी स्टीफन से और स्टीफन ने कुछ मूवीज कम देखी डैरन से, डैरन से। अब यहां पे डैरन सा मोर मूवीज देन जॉर्ज, डैरन सा मोर मूवीज देन जॉर्ज, हमने ये चीज क्लियर कर दी। देखें अगर आप देखें स्टीफन ने जॉर्ज से भी कम मूवीज देखी, स्टीफन ने डैरन से भी कम मूवीज देखी, ये तो हम बता सकते हैं कि स्टीफन ने सबसे कम मूवीज देखी, ठीक है, क्योंकि स्टीफन यहां पे जॉर्ज इज सम मोर देन स्टीफन, मतलब स्टीफन ने कम देखी जॉर्ज से ज्यादा देखी है, और इसमें से बात होता है कि स्टीफन ने कम देखी है डैरन से, मींस स्टीफन के बारे में हम क्लियर हैं कि सबसे कम किसने देखी है वो स्टीफन ने देखी है, लेकिन हम जॉर्ज और डैरन के बारे में कुछ क्लियर नहीं बता सकते कि इन दोनों में से ज्यादा किसने देखी, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के बाद ये इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टीफन की अकॉर्डिंग है, स्टीफन ने जॉर्ज से भी कम देखी है, स्टीफन ने डैरन से भी कम देखी है, हाँ डैरन और जॉर्ज में सबसे ज्यादा किसने देखी है हम नहीं बता सकते, तो इसलिए हम जो ऑप्शन लेंगे ना हम ट्रू लेंगे ना फॉल्स लेंगे, हम वहां पे अनसर्टेन जो ऑप्शन है उसको लेंगे, क्योंकि हम बता ही नहीं पाएंगे कि जॉर्ज और डैरन में से किसने ज्यादा मूवीज देखी है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है रॉबर्ट वेट लेस देन फिडो, रॉबर्ट वेट्स मोर देन बूमर, ऑफ द थ्री डॉग्स बूमर वेट्स द लीस्ट, ठीक है। हमने अब बिल्कुल इसको मैथमेटिकली जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं बिल्कुल सिमिलर मैथड्स हम करेंगे कि हमें पता है कि रोवर का जो है वेट है वो कम है फिडो से और रोवर का वेट जो है वो ज्यादा है बूमर से, हम इसको कंबाइन करते हैं तो मैं आर इज द मिडल टर्म हियर, आर इज ग्रेटर देन बूमर एंड लेस देन फिडो, तो सबसे ज्यादा वेट इसका फिडो है, तो सबसे कम किसका है बूमर का, हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है बूमर वेट्स द लीस्ट, ये बिल्कुल सबसे कम जो है वो बूमर जो है उसका वेट है, तो हम स्टेट भी क्या कहेंगे ट्रू है। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट यहाँ पे है कि द ऑफिसर ऑन द नाइंथ फ्लोर हैव वॉल टू वॉल कार्पेटिंग, नो वॉल टू वॉल कार्पेटिंग इन हिज बिल्डिंग। आगे हमारे पास क्या है कि नन ऑफ द ऑफिस ऑन द नाइंथ फ्लोर हैज बीन वॉल टू वॉल कार्पेटिंग, उसे यार ऑल द ऑफिसेस ऑन द नाइंथ फ्लोर हैव वॉल टू वॉल कार्पेटिंग, ठीक है, उनकी दीवारों के साथ साथ जो है एक बार दूसरी दीवार तक क्या है कार्पेटिंग हुई है, नो वॉल टू वॉल कार्पेटिंग इज बीन, कोई भी उनमें कार्पेट जो है पिन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नन ऑफ द ऑफिस ऑन द नाइंथ फ्लोर हैज बीन वॉल टू वॉल कार्पेटिंग, यस हमारे पास वहां पे पहली स्टेटमेंट आया कि वहां पे एक दीवार की दूसरी दीवार तक क्या है कार्पेटिंग है वॉल टू वॉल कार्पेटिंग हुई है और कोई कार्पेटिंग है वो जो है वो पिंक नहीं है, तो ऑफकोर्स नाइन्थ फ्लोर पे भी क्या होगा कोई भी हमारे पास किसी भी ऑफिस में कार्पेट तो होगा लेकिन कोई में पिंक नहीं होगा, इसको हम इसको ट्रू कहेंगे। तो ये हमारा जो टेस्ट फाइव था क्लैश टेस्ट फाइव, उसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं, तो हम नेक्स्ट जो है वो टेस्ट सिक्स जो है उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।